अगर सपोज आप वाइन स्नेक के सामने से पास भी हो गए तो वाइन स्नेक को समझेगा नहीं, एंड ये वाइन स्नेक चलना चालू हो चुका है, एंड मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इसका चलते चलते ही वीडियो बनाना पड़ेगा। तो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो आज मैं आया हूँ मॉनसून रेन फॉरेस्ट में, एंड जो लोकेशन पे मैं हूँ वहाँ का स्नेक पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा हाई, बट मैं एक बहुत ही स्पेसिफिक स्नेक को ढूंढ रहा हूँ जिसका नाम है वाइन स्नेक। अब वाइन स्नेक एक डायरनल स्नेक है, जिसका मतलब ये डे टाइम में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, एंड इसीलिए मैं इन्हें ढूंढने डे टाइम में आया हूँ अब सुबह के 8 बजे, एंड मुझे लगता है ये परफेक्ट टाइम है इस स्नेक को ढूंढने के लिए, क्योंकि इसी टाइम पर ये स्नेक्स बाहर निकलते हैं एंड बास्किंग करते हैं। तो अब देखते हैं कि हमें कितने वाइन स्नेक्स मिल सकते हैं। एंड फन फैक्ट, वाइन स्नेक एक सॉलिटरी क्रीचर है, एंड इस वक्त उनका मेटिंग सीजन चालू है, जिसका मतलब जहां हमें एक वाइन स्नेक मिले वहां हमें और भी वाइन स्नेक्स मिल सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द एडवेंचर। ओके, सो मुझे अभी एक ब्लू मॉथ कैटरपिलर मिली है जो कि ये है, एंड ये जो आप येलो एंड ब्लू कलर की कैटरपिलर देख रहे हो वो, ये कैटरपिलर्स बहुत ही फ्रेंडली रहती है, एंड ये लीव्स पे फीड करती है। अब सोचने की बात ये भी है कि ब्लू माउथ कैटरपिलर्स सिर्फ वहाँ पे मिलते हैं जहाँ पे वेजिटेशन बहुत अच्छा हो, यूजुअली ये सिर्फ माउंटेन्स पे दिखती है जहाँ पे अभी मैं हूँ। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही अच्छा साइन है कि हमें आगे आके और भी अच्छा कुछ मिले। तो अब हम आगे बढ़ते हैं एंड अपने एडवेंचर के लिए कंटिन्यू करते हैं। तो फाइनली 45 मिनट्स के हॉपिंग के बाद मुझे वाइन स्नेक मिल चुका है। ये जो स्नेक आप यहाँ पे देख रहे हो इस पोर्शन में, ये वाइन स्नेक है, एंड ये डेफिनेटली ढूंढने के लिए मुश्किल होता है। मुझे लगा आज वेदर थोड़ा बेटर होगा एंड मुझे मिल जाएगा, बट फिर बारिश चालू हो गई, एंड पता नहीं क्यों बट वाइन स्नेक तो बारिश बिल्कुल नहीं पसंद। तो जैसे ही बारिश हो जाती है चालू, वैसे ही वाइन स्नेक पत्तों के नीचे छुप जाते हैं एंड फिर इन्हें ढूंढना वापस इम्पॉसिबल हो जाता है। इनफैक्ट अभी भी बारिश चालू है एंड आप देख रहे हो कि वाइन स्नेक ने कैसा अपना हेड नीचे लिया अपने बॉडी के। ये वाइन स्नेक बहुत ही कंफर्टेबल है यहाँ पे, एंड उसका रीज़न ये है कि जब वाइन स्नेक गुस्से में आ जाते हैं या उन्हें कोई डिस्टर्ब करता है तो वाइन स्नेक के बॉडी पे वाइट एंड ब्लैक कलर के पैचेस आने चालू हो जाते हैं। ये पैचेस और कुछ नहीं बट उनकी स्किन होती है, तो जो स्केल्स होते हैं स्केल्स के नीचे उनकी ब्लैक एंड वाइट कलर की स्किन होती है, एंड जब भी उन्हें कोई डिस्टर्ब करता है तो अपनी बॉडी को बड़ा दिखाने के लिए अपनी बॉडी को पफ कर देते हैं, एंड उस प्रोसेस में इनके बॉडी पे वाइट एंड ब्लैक कलर के पैचेस दिखने चालू हो जाते हैं, लाइंस दिखनी चालू हो जाती है। वाइन स्नेक का अगर आप हेड देखोगे तो वाइन स्नेक का हेड दूसरे स्नेक से बहुत ज़्यादा यूनिक होता है। पहली बात तो इसका हेड पॉइंटेड है, सेकेंडली उसकी आईज, वाइन स्नेक की आईज बहुत ही पावरफुल होती है। वाइन स्नेक की जो एबिलिटी है वो ये है कि उसकी आँखें जो है उसमें बाइनोकुलर विजन होता है जिससे वो लोग जूम कर सकते हैं। तो आप सोच सकते हो कि एक स्नेक उसके ऐसे एक ऐसी एबिलिटी है जो हम हमारे कैमराज में यूज़ करते हैं एंड फिर भी हम उसमें इतने एक्सपर्ट नहीं। तो वाइन स्नेक अपने प्रे को ट्रैक करता है, उसके बाद वो अपने प्रे पे लॉक कर लेता है एंड बहुत स्विफ्टली और बहुत स्मूथली ये अपने प्रे के पास चला जाता है अपनी कैमोफ्लॉज टेक्निक का यूज़ करके, एंड फिर वो अपने प्रे को हंट करता है, एंड ये बहुत ही एफिशिएंट टेक्निक है। वाइन स्नेक अगर आप देखोगे, मैं अपनी उंगली उसके पास लेके जा रहा हूँ, तो वाइन स्नेक बहुत पतला होता है। आप उसके बॉडी का साइज़ देख सकते हो और आप मेरी उंगली देख सकते हो, तो वाइन स्नेक्स बहुत पतले होते हैं, बहुत थिन होते हैं। अब वाइन स्नेक्स यूजुअली बड़े ट्रीज पे नहीं दिखते, वाइन स्नेक आपको छोटे प्लांट्स पे या बुशेज के बीच में ही दिखेंगे। उसका रीज़न ये है कि वाइन स्नेक जो क्रीचर्स पे या जो एनिमल्स पे फीड करते हैं वो क्रीचर्स और एनिमल्स वाइन स्नेक को बुशेस में बहुत इजीली मिल जाते हैं, बहुत इजीली वो उन पर फीड कर सकते हैं। अब मुझे डर ये लग रहा है कि बारिश चालू हो गई है, वाइन स्नेक को बारिश पसंद नहीं होती, अगर ये भाग गया तो मेरा वीडियो अधूरा रह जाएगा, मुझे उसको डिस्टर्ब भी नहीं करना तो मैं उसको हैंडल भी नहीं कर रहा हूँ, पर देखते हैं मैं इसे कितना तक यहाँ पर रख सकता हूँ। अब इसकी बॉडी जो आप देख रहे हो इस पर कोई स्केल्स नहीं आई अभी, मतलब वाइन स्नेक बहुत ही कम्फर्टेबल है अभी फ़िलहाल इस पोज में, बट अगर बारिश थोड़ी और बढ़ गई तो शायद ये वाइन स्नेक यहाँ से भाग जाएगा। वाइन स्नेक क्या करते हैं कि वो एक ट्री से दूसरे ट्री पे जाने के लिए यूजुअली ग्राउंड यूज़ करते हैं, बट उसके अलावा वाइन स्नेक कभी ग्राउंड पे आते नहीं, एंड ये बहुत ही कम टाइम के लिए आएंगे, यूजुअली ट्री टू ट्री ये जाते हैं। अभी ये एक डायर्नल स्नेक है, बेसिकली ये डे के टाइम पे एक्टिव रहते हैं, बट जब ये रात हो जाती है
तो वाइन स्नेक आपको सोते हुए दिखेंगे। अब बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि क्या स्नेक सोते हैं, तो हाँ स्नेक सोते हैं, एंड स्पेसिफिकली ये सांप रात को सोता है, एंड उस वक्त वाइन स्नेक ब्लाइंड हो जाता है। तो अगर सपोज आप वाइन स्नेक के सामने से पास भी हो गए तो वाइन स्नेक को समझेगा नहीं, एंड ये वाइन स्नेक चलना चालू हो चुका है, एंड मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इसका चलते चलते ही वीडियो बनाना पड़ेगा। अभी मैं इससे ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगा। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो आज का, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको अगर कोई और एनिमल देखना है, कोई और स्पीसीज देखनी है स्नेक की, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप चाहते हो कि आपके फ्रेंड्स भी ये वीडियो देखें, तो प्लीज़ ये वीडियो को शेयर भी कर दीजिए यार। विद दैट सेड, टेक केयर, लॉन्ग लिव नेचर, बाय।